हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं एक दंत एक्सपेरिमेंट। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम सबसे सिंपल स्टडी लैंप बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टडी लैंप के लिए फ्लेक्सिबल डंडा बनाएंगे, जिससे कि हम अपने लैंप को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकें। तो गाइज, इसे बनाने के लिए हमें एक वायर लेना है और इसके अंदर के वायर को निकाल कर इसको इस तरीके से पूरा खाली करना है। अब हमें एक एल्यूमिनियम का वायर लेना है और यहाँ पर आपको लोहे का वायर नहीं लेना है, क्योंकि गाइज लोहे का वायर एल्यूमिनियम के वायर से ज़्यादा हैवी होता है और हमारा लैंप उसे नहीं झेल पाएगा। गाइज, अब हमें यहाँ पर एक कॉपर वायर लेना है और ये आपको किसी खराब मोटर या फिर ट्रांसफार्मर के अंदर से आसानी से मिल जाएगा। हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम के साइज के दो कॉपर वायर लेने हैं और इसे हमें इस वायर के एक तरफ से डालकर दूसरी तरफ से निकालना है। और गाइज, इसी तरीके से हमें एल्यूमिनियम वायर को भी इसके अंदर फिक्स करना है। तो गाइज, अब आप देख सकते हो हम इस वायर को जिधर भी मोड़ेंगे वहीं स्टेबल रहेगा। अब हमें ये छोटी छोटी LED लेनी है, और अगर आपके पास ये LED नहीं है तो गाइज कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ये वाली LED यूज कर सकते हो। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 5 रुपए की एक LED मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर फिलहाल ये वाली LED यूज कर रहा हूँ। तो गाइज, हमारे इन छोटी छोटी LED पर पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पर हमें प्रॉप को बैटरी से जोड़कर सभी LED चेक कर उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को एक सीक्वेंस में जमा लेना है। गाइज, अब हमें ये वाला वायर लेना है और इसके अंदर वाले पतले पतले वायर को इसके अंदर से निकाल लेना है। तो दोस्तों, अब हमें सभी LED के बीच में 2-2 सेंटीमीटर का गैप रखकर इसके टर्मिनल्स पर वायर को शोल्डर करना है। अब हमें एक किसी भी ख़राब मोबाइल का डिस्प्ले लेना है और उसके ऊपर की सारी लेयर्स को वहाँ तक हटाना है जहाँ तक इसमें आपको अपनी हैंडसम सी शक्ल दिख जाए। फ्रेंड्स, ये लेयर इसके ऊपर चिपकी भी नहीं है, तो हमें फेविक्विक की मदद से इसको अच्छी तरीके से चिपकाना है। गाइज, अब हमें एक एक करके इन सभी LED को फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरीके से चिपकाना है। दोस्तों, अब हमें इन दोनों LED के पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़कर इसके ऊपर टेप लगा देनी है। फ्रेंड्स, जो नेगेटिव वाला वायर है ये इस डिस्प्ले के आयरन वाले पार्ट के कॉन्टेक्ट में है, इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा पॉजिटिव वायर इस पार्ट के कॉन्टेक्ट में ना आ सके। इसके लिए गाइज, हमें इस पर टेप लगा देनी है। अब जो हमने लैंप का फ्लेक्सिबल डंडा बनाया था, इसके अंदर जो कॉपर वायर है उसके ऊपर की जो कोटिंग है उसे हमें कैंची या फिर सैंड पेपर की मदद से हटा देना है और इसे हमारे LED के नेगेटिव और पॉजिटिव वायर से जोड़कर इसके ऊपर टेप लगा देनी है, ताकि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर आपस में टच ना हो। फ्रेंड्स, अब हमें डिस्प्ले के साइज का कार्डबोर्ड कुछ इस तरीके से काटना है और इसके अंदर हमारे एल्यूमिनियम वायर को कुछ इस तरीके से फिक्स करना है और इस डिस्प्ले को कार्डबोर्ड पर फेविक्विक की मदद से चिपकाना है। अब हमें इसी के साइज का एक और कार्डबोर्ड लेना है और फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर चिपका देना है। गाइज, अब हमें एक खाली प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट डब्बा लेना है और इसके अंदर डिस्प्ले को रखकर इसके बॉर्डर की मार्किंग कर लेनी है और फिर इसको काट देना है। अब हमें फेविक्विक की मदद से इसके ऊपर इसको अच्छी तरीके से चिपकाना है। गाइज, अब हमें कार्डबोर्ड के ऐसे 2 टुकड़े लेने हैं और लैंप के दोनों साइडों पर चिपकाना है। जब हम इसकी बॉडी बनाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पर कार्डबोर्ड लेना है और कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ करना है और हमें ऐसे ही 5 सेंटीमीटर रेडियस के 2 सर्कल काट लेने हैं। फ्रेंड्स, अब हमें सर्कल के डायमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर काटना है। अब हमें इस सर्कल को इक्वली 2 पार्ट्स में कट करना है और इसके ऊपर की मार्किंग के हिसाब से इसको काट लेना है। अब हमें एक स्विच लेना है और इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स करना है। फ्रेंड्स, अब हमें सर्कल के सर्कमफेरेंस जितना एक कार्डबोर्ड लेना है और इसकी साइज निकालने के लिए सर्कल के बॉर्डर पर कहीं भी एक मार्क लगाना है और इसे पहिए की तरह इस पर चलाना है। और गाइज, इसका मार्क एक राउंड कंप्लीट कर फिर से नीचे आ जाए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें कार्डबोर्ड को काटना है। तो दोस्तों, ये तो अपना देसी तरीका था। और गाइज, अगर आप चाहे तो इसे मैथमेटिकल फार्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और हमारा जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 220/7 इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 31.4 सेंटीमीटर। अब हमें इस कार्डबोर्ड को इस तरीके से गोल गोल मोड़ लेना है और हमारे इस सर्कल के बॉर्डर पर ग्लू लगाकर इसको इसके ऊपर चिपका देना है और थोड़ा सा ग्लू हम यहाँ पर भी लगा देंगे।
अब हमें यहाँ पर एक छोटा सा होल कर लेना है। अब हमको यहाँ पर एक USB केबल लेना है जिसके अंदर आपको चार वायर देखने को मिलेंगे। इसमें से हमें रेड और ब्लैक वायर को छोड़कर बाकी दोनों वायर को काट लेना है। अब हमें इस USB केबल को होल से अंदर की साइड ले लेना है और एक गांठ लगा लेनी है जिससे कि हमारी USB केबल बाहर की तरफ ना खिसके। अब हमें इस लैंप की डंडी को इस होल के अंदर से बाहर की ओर निकाल कर इसे हमें इसके अंदर फिक्स करना है। और गाइस ये मैंने एक किचन के ख़राब औजार की ग्रिप ली है। अब हमें एक कार्डबोर्ड का छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसको फेविक्विक की हेल्प से इसके अंदर अच्छी तरीके से फिक्स कर चिपका देना है। और अब इस कार्डबोर्ड के नीचे फेविकॉल लगाकर इसको इसके अंदर चिपका देना है। अब जो हमने 10x10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटा था उसको भी इसके अंदर चिपका देना है। गाइज इस लैम्प के कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसके कनेक्शंस कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर USB और लैम्प के नेगेटिव वायर को एक साथ जोड़ लिया है और पॉजिटिव वायर के बीच में एक स्विच लगा दिया है। फ्रेंड्स अब आपके घर पर जितना भी रद्दी पेपर है उसको इसके अंदर ठूस लेना है जिससे कि हमारा लैम्प स्टेबल रहे। और अब हमें इसे ग्लू की मदद से चिपका देना है। हमने जो सर्कल का आधा टुकड़ा काटा था उसको हमें अब इस तरीके से काट लेना है और ग्लू से इसको चिपका देना है। और फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो का लास्ट स्टेप है। अब हमें इस पर ग्लू लगाकर इसको इस लैंप की बॉडी पर चिपका देना है। तो गाइस हमारा लैंप बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हमने ये पेन होल्डर भी बनाया है जिसके अंदर हम अपने पेन भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।